डियर फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी का सेशन चल रहा था, सेकंड सेशन। सेशन थ्री में अपन प्रोबेबिलिटी के ऊपर से कुछ सम्स करेंगे। मैं फर्स्ट सम ले रहा हूं, प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट सम है ए डाइस is thrown, then find the probability of a number। अब इसमें मैं कुछ कौन कौन से नंबर का है तो कुछ एक उसी में दूंगा। फर्स्ट नंबर इज इवन, ऑड का भी वही प्रोबेबिलिटी रहेगा। सेकंड द नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री। थर्ड अपन लेंगे द नंबर इज इक्वल आर लेस देन फोर। ऐसे बहुत सारे टाइप के ले सकते हैं, मैं आपको सिंपल एक दो चीज इन तीन में समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कैसे उसको अपन लिखते हैं। अब सबसे पहले व्हेन ए डाइस इज थ्रोन, देन जो सिंपल स्पेस रहेगा एस इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो देयर फोर नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू हमारे पास सिक्स रहेंगे। अब जैसे इसमें फर्स्ट था द नंबर इज इवन आर ऑड, तो जो इवन नंबर है वो हमारे पास है टू फोर एंड सिक्स। ऑड नंबर है वो है वन थ्री और फाइव। यानी इन दोनों में जो एन ऑफ अगर हम ई ले लें, इसको इवन लेंगे, एन ऑफ इवन इज इक्वल टू थ्री रहेगा। इसमें भी थ्री नंबर है, इसमें भी तीन नंबर है। तो देयर फोर जो फॉर्मूला था बना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज इक्वल टू एन ऑफ इवन बाई एन ऑफ एस इज इक्वल टू थ्री बाई सिक्स इज इक्वल टू वन बाई टू। सिमिलरली बहुत इजी है, आप समझ ही होंगे। सेकंड जैसा था द नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री, तो ई टू ले लेंगे, नंबर डिविजिबल बाय थ्री, तो वो हमारे पास में दो ही नंबर है थ्री एंड सिक्स। तो देयर फोर एन ऑफ ई टू इज इक्वल टू हमारे पास में थ्री एंड सिक्स, एन ऑफ ई टू इज इक्वल टू टू। तो देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इज इक्वल टू टू बाई सिक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री। थर्ड मैंने जैसे आपको दिया था कि द नंबर इज इक्वल आर लेस देन फोर, द नंबर इज इक्वल आर लेस देन फोर, इसको हमने अगर ई थ्री लिया तो वो हमारे पास में जो नंबर है वो वन टू थ्री, और चूंकि इक्वल भी लेना है तो इज इक्वल एक फोर। तो देयर फोर एन ऑफ ई थ्री इज इक्वल टू हमारे पास में आया फोर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री इज इक्वल टू फोर बाय सिक्स इज इक्वल टू टू बाय थ्री। सिमिलरली अगर हमारे पास में दो क्वाइन है
और उसको हम टॉस करें। सेकंड क्वेश्चन, टू क्वाइंस आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एपियरिंग ऑफ। फर्स्टली हमने जैसे एटमोस्ट वन हेड, सेकंड लिया एटमोस्ट टू हेड्स। तो सबसे पहले यहां पर अपन ने एन ऑफ एस निकालेंगे। तो एन ऑफ एस, जब भी अपन क्वाइन को, दो क्वाइन को अगर टास्क करते हैं तो हमारे पास में, जैसे पहले अगर टास्क करेंगे तो टी टी आ सकता है, टी एच हो सकता है, टी फॉर टेल, एच फॉर हेड, और एच टी हो सकता है, और नंबर फोर एच एच हो सकता है। तो एन ऑफ एस जो है वो हमारे पास में फोर रहते हैं। अब पहला था एटमोस्ट वन हेड, तो पी ऑफ ई वन इज इक्वल टू पी ऑफ एपियरिंग एटमोस्ट वन हेड इज इक्वल टू, देखिए एटमोस्ट मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में टी टी भी हो सकता है क्योंकि जीरो वाला भी हेड एटमोस्ट में आएगा। एटलीस्ट अगर पूछा होता तो खाली टी एच और एच टी आते, लेकिन चूंकि उसने एटमोस्ट ने मैक्सिमम पूछा तो टी 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 एच और एच टी हमारे पास में तीन है। तो पी ऑफ इवन जो है वो हमारे पास में थ्री है, टी टी एच टी और टी एच। तो देयर फोर एन ऑफ इवन इज इक्वल टू थ्री, देयर फोर पी ऑफ इवन इज इक्वल टू थ्री बाई फोर। सेकंड उसने हमसे कहा था एटमोस्ट टू हेड्स, मैक्सिमम टू हेड, मैक्सिमम टू हेड इन चारों में रहेंगे, टी टी में भी रहेगा, टी एच में भी रहेगा, एच टी में, और टू टू भी रहेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एन ऑफ ई टू लूंगा इसको, एटमोस्ट टू हेड्स को, ई टू इज इक्वल टू फोर, तो देयर फोर पी ऑफ ई टू इज इक्वल टू फोर बाई फोर इज इक्वल टू वन। दूसरे सम्स करने के पहले मैं आपको दो चीजें बताऊंगा कि अगर हम जब भी जो दो अगर डाइस को हम एक साथ साइमल्टेनियसली अगर थ्रो करते हैं तो जो हमारे पास में नंबर ऑफ एपियरिंग ऑन द अपर हेड वो रहता है। तो व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, तो अपन अगर देखेंगे इसको तो जो टू डाइस पर अगर पहले पे वन आया है तो दूसरे पे भी वन आ सकता है, फिर वन टू वन थ्री वन फोर वन वन टू फाइव वन फाइव वन सिक्स, इसी तरह से टू वन टू 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 थ्री टू फोर टू फाइव टू सिक्स, सेम चलते चलते हमारे पास में सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव सिक्स सिक्स आएगा। तो इसको जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अपर हेड पर जो नंबर आए हैं उनके सम, तो मैं आपको इजी करने के लिए एक टेबल बना के दे रहा हूं, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द टू डाइस एन ऑफ एस और इवेंट्स। यहां पर फर्स्ट डाई और ये सेकंड डाई, फर्स्ट और सेकंड। अब जैसे सम ऑफ द नंबर तो वन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर पहले पे वन आया दूसरे पे वन आया तो जो सम है वो या तो टू होगा, टू होगा, टू के साथ में जो वन वन रहेगा, तो दूसरा अगर हमारे को
इसमें एन ऑफ एस मिलेगा, वो जोड़ी इसकी टू के साथ की जोड़ी जो बनती है वो 12 की रहती है। एन ऑफ एस जो है वो हमारे पास में नंबर ऑफ एस, अगर सम ऑफ द टू डाइस अपर हेड ऑफ द टू डाइस अगर टू है तो एन ऑफ एस जो है वो वन रहता है, सम ऑफ द नंबर ऑन द अपर हेड ऑफ द टू डाइस अगर 12 है तो भी एन ऑफ एस हमारे पास में नंबर ऑफ जो सिंपल स्पेस है वो वन ही रहेगा, लेकिन इवेंट्स जो है वो फर्स्ट में इवेंट्स रहेंगे हमारे पास में वन वन, और सेकंड में इवेंट रहेगा सिक्स सिक्स। सिमिलरली अगर हमारे पास में सम थ्री है तो उसके साथ में इलेवन, एन ऑफ एस यहां पर हमारे पास में टू रहेंगे, इसमें जो इवेंट्स आएंगे वो वन टू और टू वन आएंगे, और यहां पर जो इलेवन के इवेंट्स आएंगे वो या तो हमारे पास में फाइव और सिक्स या सिक्स और फाइव रहेंगे, फाइव सिक्स इलेवन, सिक्स फाइव इलेवन, वन टू थ्री, टू वन थ्री, टू प्लस वन। अगर फोर है सम तो उसकी जोड़ी टेन के साथ रहेगी, एन ऑफ एस थ्री रहेंगे, फोर हमारे पास में वन थ्री, टू टू एंड थ्री वन, टेन हमारे पास में जो है सिक्स फोर, फोर सिक्स और फाइव फाइव, इस तरह से फाइव तो नाइन, एन ऑफ एस यहां पर फोर हो जाएंगे। देखिए फाइव कब बनेगा, अगर पहले पे फोन आया तो दूसरे पे फोर आना चाहिए, अगर पहले पे जो है वो फोर आया तो दूसरे पे वन आना चाहिए, पहले पे अगर टू आया तो दूसरे पे थ्री, और पहले पे थ्री आया तो दूसरे पे टू, इसी तरीके से नाइन लाना है तो फर्स्ट रहेगा हमारा सिक्स और थ्री, सिमिलरली थ्री सिक्स ले लेंगे, फाइव फोर और फोर फाइव। सिक्स और एट, इसमें जो हमारे पास रहेंगे ये फाइव नंबर रहेंगे, नंबर ऑफ एस सिंपल स्पेस फाइव रहेंगे, वन और फाइव, फाइव वन, टू फोर, फोर टू, थ्री थ्री। अगर एट नंबर आना है तो हमारे पास में रहेंगे सिक्स टू, टू सिक्स, फाइव थ्री, थ्री फाइव और फोर एंड फोर। सेवन का सिर्फ एक ही बार आएगा जो है वो, क्योंकि यहां पर सेवन के साथ में और कोई जोड़ी नहीं रहेगी तो इसके लिए यहां पर, लेकिन नंबर आप सिंपल स्पेस सिक्स रहेंगे, वन सिक्स, सिक्स वन, टू फाइव, फाइव टू, थ्री फोर, फोर थ्री। अब इसके ऊपर से भी सम्स पूछे जाते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है, अगर दो जो डाइज हैं उसको अगर साइमल्टेनियसली एक साथ अगर थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर जिनका सम जो है वो फोर हो या जिनका सम जो है वो एट हो अपर हेड का, तो इसके ऊपर से एन ऑफ एस आप डायरेक्ट देखकर और उसके ऊपर से भी निकाल सकते हैं अगर ये याद हो। सिमिलरली कुछ क्वेश्चंस आते हैं कार्ड्स के पैक के ऊपर, तो जो पैक ऑफ द कार्ड रहता है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, पैक ऑफ कार्ड, इसमें ऑलवेज टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो रहते हैं वो 52 रहते हैं। इसमें दो सूट होते हैं, एक होता है रेड सूट्स और एक होता है ब्लैक। रेड सूट में जो नंबर ऑफ कार्ड रहते हैं 26 रहते हैं, ब्लैक सूट में भी नंबर ऑफ कार्ड 26 रहते हैं। रेड सूट में दो पार्ट रहते हैं, एक कहलाता है डायमंड
और एक कहलाता है हार्ट। डायमंड में नंबर ऑफ कार्ड 13 रहेंगे, इसमें भी 13 रहेंगे। ब्लैक सूट में भी दो रहते हैं, एक कहलाता है स्पेड, नंबर ऑफ कार्ड 13, और दूसरा कहलाता है क्लब, इसको भी नंबर ऑफ कार्ड 13 देते हैं। हिंदी में जो लोग ताश खेलते हैं वही है ये। ताश में जो नंबर ऑफ कार्ड्स रहते हैं वो 52 रहते हैं, उसमें दो लाल कलर के कार्ड होते हैं, एक को हिंदी में ईट बोलते हैं, एक को जो है वो लाल पान बोलते हैं। ब्लैक सूट में दो रहते हैं, एक को जो है वो काला पान बोला जाता है, एक को चिड़िया बोला जाता है। तो इसमें जो नंबर ऑफ कार्ड्स रहते हैं, इसमें ईच ऑफ द जो सूट रहता है ये, इसमें जो है वो जो नंबर ऑफ एसएस रहते हैं वो 1 रहता है। तो टोटल नंबर ऑफ एस जो होता है, नंबर ऑफ एस यानी उसको हम बोलते हैं 1, तो टोटल नंबर जिसको हिंदी में इक्का बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ एस जो है वो कहलाता है हमारा 4 हो जाते हैं। इस सूट में जो है वो 1 रहता है, एक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसके बाद में नंबर ऑफ फेस कार्ड बोला जाता है, फेस कार्ड इसको ऑनर कार्ड भी बोलते हैं। ये हमारे पास में रहते हैं, ये एस जो रहता है इसको भी कई बार जो है वो ऑनर कार्ड या ऑनर कार्ड में ले जाता है, लेकिन जो नंबर ऑफ फेस कार्ड में जो गिने जाते हैं तो वो फेस कार्ड में रहता है किंग, क्वीन और जैक। लेकिन अगर ऑनर कार्ड इसके अंदर रखना है तो इसमें एस भी लिया जाता है। अगर सिर्फ फेस कार्ड लेना है तो फेस कार्ड में सिर्फ 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। ऑनर कार्ड लेना है तो एस भी, किंग, क्वीन, जैक के साथ में एस भी आता है। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड जो है वो हो जाते हैं हमारे पास में 4, 3 जा 12, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ऑनर कार्ड अगर हम लेने जाएंगे तो वो हो जाते हैं 4, 4 जा 16। ये थोड़ा सा सम्स करने के पहले का, ये दो टाइप के सम्स और इसमें प्रोबेबिलिटी में आते हैं, इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा आपको आइडिया दिया। अब इसके ऊपर से हम सम्स करेंगे डाइस के और कार्ड के। जैसे सम आया कि वेन टू डाइस आर थ्रोन, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट सम ऑफ नंबर्स appeared is 6 and 7. Second, sum of numbers appeared smaller or equal to 8. Third, sum of numbers is a multiple of 3. ऐसे ही रहेंगे, मैं 2-3 करवाता हूं आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट डायरेक्ट अपन लिखेंगे, अपने को पता है कि सम ऑफ नंबर appeared इज 6 and 7, तो फॉर 6 रिक्वायर्ड probability is equal to n of e upon n of s.
सिक्स की रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो सिक्स हमने थे हमने पहले ही देखा था कि जो सिक्स अगर सम आएगा तो उसमें जो है वो एन ऑफ ई जो रहते हैं वो फाइव रहते हैं, 1551244233, तो 5/36 क्योंकि टोटल 36 रहता है तो 5/36। फॉर सेवन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, सेवन के लिए हमारे पास में 1661255243 34, तो 6/36 इज इक्वल टू 1/6। दूसरा जैसे उसने बोला था सम ऑफ नंबर एपियर्ड स्मॉलर आर इक्वल टू 8, तो स्मॉलर आर इक्वल टू 8 में जब भी हम अगर लेने जाएंगे तो नंबर कौन से रहेंगे, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा एंड 8 रहेगा। तो यहां पर मैं आपको सेकंड के लिए लिख देता हूं, डिजायर्ड सम ऑफ द नंबर्स आर स्मॉल आर इक्वल टू 8, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो देयर फोर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2 जो है वो हमारे पास में एक ही ये रहता है तो 1 प्लस, अगर हम 3 लेने जाएंगे तो 3 के हमारे पास में 2 रहते हैं, 1 2 और 2 1, तो 1 प्लस 2, इसी तरह से +3, 4 के जो है वो हमारे पास में 3 रहते हैं, 5 के हमारे पास में 4 रहते हैं, 1 4 4 1 2 3 और 3 2, 6 का भी 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3, तो 5 रहते हैं, प्लस 7 के हमारे पास में 6 रहते हैं, 8 का हमारे पास में कोई नहीं रहता है, तो जो एट रहता है तो 8 का जो है वो हमारे पास में 6 2 2 6 5 3 3 5 और 4 4, तो 8 के भी जो है हमारे पास में 5 नंबर रहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एन ऑफ एस इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाते हैं 3 3 6 10 15 और 25 26। तो देयर फोर पी ऑफ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इसको अगर हमने जो है वो ई टू से ले लिया तो पी ऑफ ई टू इज इक्वल टू 26/36 इज इक्वल टू 13/18। इसी तरह से तीसरा था सम ऑफ नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो डिजायर्ड जो हमारे पास में रहेगा कि मल्टीपल ऑफ 3 का, तो मल्टीपल ऑफ 3 डिजायर्ड सम ऑफ द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3 में हमारे पास में रहेंगे 3, 6, फिर आएगा हमारे पास में 9 और 12। अब 3, 6, 9, 12, तो देयर फोर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 3 हमारे पास में 1 2 और 2 1 में आता है तो 2 रहेगा, 6 1 5 5 1 2 4 4 2 और 3 3 में आता है तो 5 रहेगा, फिर उसके बाद में 9 हमारे पास में जो है वो 4 बार आता है, 6 3 3 6 5 4 और 4 5 में तो 4 रहेगा, प्लस 12 हमारे पास में सिर्फ एक ही बार आता है, पहले डाइस में भी 6 आए दूसरे डाइस में भी 6 आए तो 1 रहता है। तो इन सब का सम कर लिया तो 5 4 2 7 11 और 12, तो देयर फोर पी ऑफ ई 3 इज इक्वल टू 12/36 1/3। अब एक मैं कार्ड का सम लूंगा, वो भी बहुत सिंपल रहता है, खाली अपने को उसमें यह याद रखना है कि कौन सा फेस कार्ड रहता है और कौन सा नंबर कार्ड रहता है।
नेक्स्ट हम ले रहे हैं फ्रॉम ए पे ऑफ कार्ड थ्री कार्ड्स आर ड्रॉन तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑल थ्री आर एसेस नंबर टू वन एस वन किंग एंड वन क्वीन थर्ड टू डिजिट कार्ड्स एंड वन ऑनर कार्ड ऑफ ब्लैक सूट ये तीन तरीके के सम ले रहा हूं तो अपने को मालूम है कि इन पैक ऑफ कार्ड में एन ऑफ एस जो है वो ऑलवेज हमारे पास में 52 रहता है पैक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड रहते हैं लेकिन उसमें से तीन कार्ड हमको ड्रॉ करना है तो फॉर ऑल द एबव केसेस एन ऑफ एस इज इक्वल टू फिफ्थ मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको पहले ही टर्मिनोलॉजी में बताया था 52 कार्ड्स में से हमको थ्री कार्ड लेना है तो 52C3 इज इक्वल टू हम इसको जो मैंने फार्मूला बताया था एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इन टू फैक्टोरियल एन माइनस आर उसी से सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं तो 52 × 51 × 50 / 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू जो है वो 26 × 17 × 50 नंबर वन अब ऑल थ्री आर एस एस तो एन ऑफ ई वन इज इक्वल टू अब हमारे पास में नंबर ऑफ एस एस फोर रहते हैं उसमें से थ्री कार्ड लेना है सेम 4C3 इसको सॉल्व करते हैं तो 4 आता है तो देयर फोर पी ऑफ ई वन इज इक्वल टू 4 upon 26 × 17 × 50 इज इक्वल टू 1 upon इससे जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल जो आंसर आएगा वो 1 upon 5525 आएगा सेकंड एन ऑफ ई टू अब जब हमको लेना है तो 1 ace 1 king और 1 जो है वो क्वीन लेना है तो एन ऑफ ई अब देखिए 1 ace तो हमारे पास में एस 4 है तो 4C1 पहला कार्ड आ गया फिर मल्टीप्लाई बाय हमारे पास में किंग भी 4 है तो 4C1 सेकंड कार्ड आ गया तीन कार्ड लेना है थर्ड 1 क्वीन है तो इनटू 4C1 क्वीन भी हमारे पास में 4 रहती है तो इज इक्वल टू 4 × 4 × 4 तो देयर फोर पी ऑफ ई टू इज इक्वल टू 4 × 4 × 4 डिवाइड बाय वही एन ऑफ एस 26 × 17 × 50 इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 upon 5525 थर्ड में उसने हमको बोला है टू डिजिट कार्ड्स एंड वन ऑनर कार्ड ऑफ ब्लैक सूट अब टू डिजिट कार्ड लेना है हमको तो डिजिट कार्ड हमारे पास में जो टोटल डिजिट कार्ड रहते हैं वो 36 डिजिट कार्ड रहते हैं अगर अपन देखेंगे तो 36 हमारे पास में डिजिट कार्ड रहते हैं तो जो हमारे पास में एन ऑफ ई थ्री आएगा अब उसमें से 36 डिजिट कार्ड मैंने बताया था 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो 9 हमारे पास में टोटल डिजिट कार्ड है 9 4 36 तो 36 में से हमको
दो कार्ड लेना था 36C2। फिर तीसरा कार्ड जो हमको लेना है वन आनर कार्ड ऑफ ब्लैक सूट। तो ब्लैक सूट में हमारे पास में आनर कार्ड जो है वो टोटल 8 रहते हैं, तो उसमें से 8C1 लिया, इसको सॉल्व किया तो 36C2, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 18 × 35 × 8। देयरफॉर पी ऑफ E3 इज इक्वल टू 18 × 35 × 8 डिवाइड बाय वही 26 × 17 × 50 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे पूरा, तो जब भी आप सॉल्व करेंगे, मेरे पास सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, मैंने मेरे को याद है, इसलिए इज इक्वल टू 252/1105 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में पैक ऑफ कार्ड्स के सम रहते हैं। कुछ सम्स हमारे पास में ऐसे आते हैं कि जिसमें एक बैग है जिसके अंदर कुछ कलर्स की बॉल है, 3 रेड कलर है, 5 येलो है या 4 ग्रीन बॉल्स हैं। नंबर ऑफ बॉल्स निकालेंगे, जैसे 3 रेड थी, 5 येलो थी और 4 जो है वो ग्रीन बॉल थी, तो टोटल नंबर ऑफ जो बॉल्स हो जाती हैं वो हमारे पास 12 हो जाती हैं। फिर हमको वो बोलता है कि उसमें से हमने जो है वो 3 बॉल को ड्रॉ किया। अब 3 बॉल को ड्रॉ किया और उसने बोला कि हमारे पास में जो बॉल आया वो डिफरेंट कलर के आना चाहिए, तो डिफरेंट कलर की बॉल आने के लिए सबसे एन ऑफ ई निकालेंगे। अगर हमारे पास में 3 रेड है तो फर्स्ट बॉल 3C1, फिर 5 येलो है तो 5C1 मल्टीप्लाई बाय 5C1 मल्टीप्लाई बाय 4C1, इसको सॉल्व करेंगे। पहले एन ऑफ एस टोटल हमारे पास में 12 है, 12 में से हमको 3 लेना है, तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 12C3, जैसे यहां पर कार्ड का किया था ऐसे ही वैसे बॉल्स का भी रहता है। कुछ सम्स जो हमारे पास में रहते हैं वो लेटर्स के ऊपर रहते हैं, जैसे हमारे पास में एक लेटर दे दिया उसने, इफ The letters of the word equation EQUATION be arranged at random, तब हमसे वो प्रोबेबिलिटी निकालने को बोलेगा कि देयर आर एग्जैक्टली 6 लेटर बिटवीन एन एंड ई, देयर आर 6 लेटर्स, एग्जैक्टली 6 लेटर्स बिटवीन एंड एन एंड ई। तो इसी तरह से एक और ले लेता हूं मैं कि ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, तो सबसे पहले हमारे पास में जो इसमें लेटर्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो जो हमारे पास में देयर आर 8 डिफरेंट लेटर्स इन द गिवन वर्ड, तो देयर फोर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट एन ऑफ एस इज इक्वल टू, हमारे को 8 लेटर है और उसको 8 ही वेज में हमको रखना है, तो ये 8P8 में आएगा, ये परमुटेशन में आएगा, तो 8P8 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 8। अब उसने हमको बोला था देर आर 6 लेटर, एग्जैक्टली 6 लेटर बिटवीन एन एंड ई, फर्स्ट सम कर रहे हैं, तो एन जो है वो हमारे पास में फर्स्ट प्लेस पर हो गया और लास्ट प्लेस पर हमारे पास में आ जाएगा ई। एन जो है वो फर्स्ट प्लेस पर हो गया, लास्ट प्लेस पर ई हो गया, तो इसके बीच में हमको जो है वो अरेंज करना है, तो पहले एन को और ई को भी अरेंज करने का तरीका ले सकते हैं और बाद में जो बचे हुए हमारे पास में लेटर्स हैं, 2 लेटर निकल गए, बचे हुए 6 लेटर्स हैं, तो 6 लेटर्स को इनके बीच में अरेंज करना है, लेकिन 6 लेटर को 6P6 में कर पाएंगे, एन यहां पर भी आ सकता है और एन यहां पर भी लिख सकते हैं, तो एन और ई को अरेंज करने का तरीका फॉर एन एंड ई जो हमारे पास में नंबर रहेंगे, नंबर ऑफ वेज वो रहेगा 2P2 इज इक्वल टू 2 वेज रहेंगे। फिर
इसके बीच में हमको जो है वो बाकी के लेटर है, जैसे क्यू है, यू है, ए है, टी है, आई है और ओ है, इनको अरेंज करना है। तो 1 2 3 4 5 6 सिक्स लेटर्स को अरेंज करना है। तो ये जो सिक्स लेटर्स है इनको अरेंज करने के लिए फॉर अदर सिक्स लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन सिक्स पी सिक्स वेज, यानी फैक्टोरियल सिक्स वेज। तो देयर फोर जो हमारे पास में एन ऑफ ई आएगा वो 2 × फैक्टोरियल 6 आएगा। तो देयर फोर प्रोबेबिलिटी यहां पर अगर निकालने जाएंगे तो 2 × फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 8। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 × फैक्टोरियल 6 अपॉन 8 × 7 × फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 से 2 × 2 = 4 = 8, तो 1/28 वेस हो गए, 1/2 = 4 = 8, इस फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 जाएगा, तो ये 1/28 वेस हो गया। सेम सम्स रहते हैं इसी तरीके से। मैं आपको अभी कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा जो आप नोट डाउन कर लीजिए, मैंने लिख के रखी हैं, और उसको जो है वो आप सॉल्व करके नेक्स्ट सेशन में बताइएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज बोथ द एसेस, एग्जैक्टली 1 क्वीन, नो ऑनर कार्ड, नो डिजिट कार्ड, 1 किंग एंड 1 क्वीन। सेकंड क्वेश्चन है, ए 3-डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद द डिजिट 1, 3, 4, 1, 3, 6, 4 and 5 एट रेंडम, व्हाट इज द चांस दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 5। थर्ड क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 7 white and 9 black balls, 2 balls are drawn in succession at random, what is the probability that one of them is white and the other is black? Fourth question is, in a class there are 15 boys and 10 girls, 3 students are selected at random, the probability that one girl and 2 boys are selected will be? Simple questions hai, ye 4 aap questions solve kariye. Next session se hum naya chapter lenge, उसके पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सम दे रहा हूं जो आप ट्राई करिए, जो प्रोबेबिलिटी या जो अपन ने लास्ट सेशन में जो पढ़ा था उस चैप्टर के ऊपर नहीं है, लेकिन आप ट्राई करिए। इसको ट्राई करने के लिए मैं आपको सिर्फ 10 मिनट का टाइम दूंगा। अगर आपने इसको 10 मिनट भी ज्यादा हो गया है, मैक्सिमम 10 मिनट्स है, अगर आपने 5 मिनट्स में ये सम सॉल्व कर लिया तो आपको, आप अपने नंबर खुद ही चेक करिएगा, 10 out of 10 रहेंगे, और उसके बाद में आप अपने नंबर्स को जैसे चाहे वैसे डिडिट कर सकिए, लेकिन 10 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है। मैं आपको ये 3 डिजिट दे रहा हूं, 3 3 3 = 0, ऐसे ही 3 3 3 = 1, 3 3 3 = 2, 3 3 3 = 3, 3 3 3 = 4, 3 3 3 = 5, 3 3 3 = 6, 3 3 3 = 7, 3 3 3 = 8, 3 3 3 = 9 एंड 3 3 3 = 10। आपको इसमें जो नॉर्मल नोटेशन रहता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेशन, इसका यूज करना है। आप ब्रैकेट्स का भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ जो अपन ने फैक्टोरियल के बारे में पढ़ रखा है फैक्टोरियल के साइन को भी यूज कर सकते हैं, और इन्हीं चीज को यूज करने के साथ साथ स्क्वायर रूट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको क्यूब रूट या लॉग या किसी और नोटेशन का यूज नहीं करना है, इन्हीं का यूज करना है, और आपको ये इन 3 नंबरों से ही इजिकल टू 0 1 2 3 4 5
इस तरह से लाना है। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ, जैसे ये थ्री, क्योंकि इजी वाला ही मैं बताऊंगा, थ्री 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 इजिकल टू नाइन है, तो थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री इजिकल टू नाइन। इसी तरीके से आपको इन नोटेशंस का यूज करके ये सारी चीज लाना है। मैक्सिमम टाइम आपको 10 रहेगा। नेक्स्ट सेशन में मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा, साथ में अपन ये प्रोबेबिलिटी के सम भी करेंगे। थैंक यू सो मच।